मैं प्रोफेसर प्रदीप कुमार मिश्र, मैं केमिकल इंजीनियरिंग विभाग का विभागाध्यक्ष हूँ और साथ ही साथ मालवीय सेंटर जो है यहाँ पर जो इनोवेशन इंक्यूबेशन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बना है उसका कोऑर्डिनेटर हूँ। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ आज की स्थिति पर, बनारस की खासकर, और जो चुनाव का मौसम है उसके बारे में भी। तो अगर आपने देखा होगा पिछले 5 सालों में कम से कम तो सरकार ने एक प्रयास शुरू किया है बनारस में विशेष कर कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर सुदृढ़ हो, बेहतर हो, सड़कें, फ्लाईओवर जो भी देखें, स्टेडियम, देन आपको लालपुर का सांस्कृतिक संकुल कुछ भी देखेंगे तो लगता है कुछ काम हो रहा है। साथ ही साथ अगर गंगा सफाई के बारे में बात करें, क्योंकि बनारस बिना गंगा के तो सोचा ही नहीं जा सकता है, तो उसमें भी काफ़ी प्रगति हुई है। क्योंकि मैं जुड़ा रहा हूँ गंगा के किनारे जितने इंडस्ट्रीज़ हैं उनके एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के इंस्पेक्शन से, तो मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले 3 साल में उसमें बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं सुधार हुआ है। अब नदियों से में जाने वाला औद्योगिक अवजल जो है कम से कम कम हो चुका है। हाँ, मैं नहीं कहता बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन अभी भी जो मलजल जा रहा है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के म्यूनसिपलिटी से उस पर पूरा कंट्रोल नहीं हुआ है, उस पर बहुत कुछ करना है। अगर हम बात करें इंडस्ट्री की, MSMEs की, स्टार्टअप्स की, तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने शुरू किया था ये काम 2006 में, जो शायद लोग जानते नहीं थे कि स्टार्टअप क्या होगा, लेकिन इस सरकार के आने से एक माहौल बदला। हर आदमी स्टार्टअप के बारे में बात करने लगा, हर आदमी ये जानने लगा कि अगर एंटरप्रेन्योरशिप हो तो एक रास्ता निकलता है देश की खुशहाली का। तो इसमें भी अच्छा काम हुआ, अच्छे अच्छे प्रपोजल्स आ रहे हैं, नित नए आप कह सकते हैं सपोर्ट सिस्टम आ रहे हैं, तो इन सबों को देखते हुए एक आशा की किरण है। लेकिन देखिए, लोकतंत्र एक ऐसा सिस्टम है जहाँ लोगों का मत बहुत ज़रूरी है। सरकार ने काम किए, आपको अच्छा लगा या बुरा लगा ये आप सोच सकते हो, लेकिन अगर आप निकलो जाकर अपने मत का प्रयोग करो और आप अपने अनुसार जो अच्छी सरकार लग रही हो उसका चुनाव करो, क्योंकि मत का प्रयोग करना सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर बंदा मताधिकार का प्रयोग नहीं करता तो फिर उसे कंप्लेन करने की भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। जब आप अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हो तो सरकार अच्छा करे चाहे बुरा करे तो चुपचाप बैठे रहो। अगर दुनिया अच्छी लगनी है तो अपना शहर अच्छा लगना है, अपना देश अच्छा लगना है, तो आप निकलें उस दिन, खूब झूम के मतदान करें और अपना मत व्यक्त करें जिसके प्रति सरकार जो भी बनानी हो उसके लिए आप निकलें और मताधिकार प्रयोग करें। थैंक यू, दैट्स ऑल।